यूक्रेन के साथ रूस को जंग लड़ते 14 महीने हो चुके हैं। इतने लंबे समय तक रूस अपने ही गोला बारूद और मिसाइलों से लड़ रहा है, जबकि यूक्रेन को नेटो और अमेरिका के मित्र देशों से हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका में एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। उसकी ताजा रिपोर्ट बता रही है कि पुतिन के पास विकल्प बहुत कम है और पुतिन कह चुके हैं कि उनके पास परमाणु हमले का विकल्प हमेशा खुला है। वो कौन से हालात हैं जो पुतिन को परमाणु हमले के लिए उकसा रहे हैं, ये समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड मजबूरी, अ फेटल फ्यूचर। फरवरी 2023, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख जनरल जैन सिवेलेन अचानक मीडिया के सामने आए। नेटो के बाकी देशों की तरह नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन को 22,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद का ऐलान एक महीने पहले ही किया था। जनरल स्वीलेन यूक्रेन रूस युद्ध का विश्लेषण करने के लिए अक्सर मीडिया से बात करते रहते थे, लेकिन इस बार वो नीदरलैंड्स की जनता को यूक्रेन या रूस की रणनीति समझाने नहीं आए थे। नीदरलैंड्स की मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया की हैसियत से उन्होंने चेतावनी दी कि नॉर्थ से इलाके में रूस का एक शिप देखा गया है जो नीदरलैंड्स के मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी समुद्र में बिछी अंडरग्राउंड केबल और विंड फार्म यानी हवा से बिजली बनाने वाली पवन चक्कियों के लिए खतरा बन सकता है। जनरल स्वीलेन जिस जहाज से लोगों को आगाह कर रहे थे वो पिछले साल नवंबर से ही नॉर्थ सी में घूम रहा था। एडमिरल व्लादिमिर्स्की नाम के इस जहाज के बारे में रूस ने पहले ही बता दिया था कि उसके समुद्र वैज्ञानिक इस जहाज में है जो अंडर वाटर रिसर्च के मिशन पर है। नीदरलैंड्स की चेतावनी के बाद रूस के इस जहाज में नॉर्थ सी के किनारे बसे देशों की दिलचस्पी बढ़ी तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के सरकारी न्यूज चैनलों ने अपने खोजी पत्रकारों की टीम को इस जहाज के पीछे लगा दिया। छोटी नाव पर सवार डेनमार्क के पत्रकारों का सामना इस रूसी जहाज से हुआ और नजदीक से जो दिखा वो यूरोप में खलबली मचाने के लिए काफी था। नॉर्थ सी इलाके में यूरोप के जितने देश हैं अब वो इस बात को मान चुके हैं ये रूस का जासूसी बोट है जो अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन केबल और विंड फार्म की लोकेशन मार्क कर रहा है। नॉर्थ सी में हवा से बिजली बनाने वाले फर्म्स की भरमार है और शक जताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन इन विंड फार्म को ध्वस्त करने की तैयारी में है ताकि यूरोप और नेटो को यूक्रेन की मदद करने की सजा दी जा सके। पश्चिमी देशों के रक्षा विश्लेषक इसे नेटो के खिलाफ पुतिन की हाइब्रिड वॉर के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि रूस के पास विकल्प अब बहुत सीमित है। 14 अप्रैल 2023, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के आधुनिक हथियारों का भंडार तेजी से खर्च होता जा रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस चाहकर भी अपनी जरूरत के मुताबिक नए हथियार नहीं बना सकता, इसलिए मजबूरी में उसे सोवियत युग के हथियारों से काम चलाना होगा। 20 जून 2022 यूक्रेन में युद्ध के 3 महीने बाद रूस ने पुराने हथियारों से लड़ने की कोशिश भी की थी। 1960 के दशक में बने T-62 टैंकों का काफिला यूक्रेन भेजा गया, लेकिन नेटो के हथियारों के सामने
रूस के ये टैंक बेकार साबित हुए। इसी के बाद रूस ने यूक्रेन में अपना सबसे ताकतवर टैंक T-90 उतारा, लेकिन अब यूक्रेन की सेना T-90 टैंकों को भी जैवलिन मिसाइलों और सटीक निशाना लगाने वाले अमेरिकी तोपों के गोलों से शिकार करने लगी। ये सवाल रूस की सेना को भी हैरान किए हुए था कि उसके T-90 टैंक को किस तरह के मिसाइल या आर्टिलरी शेल से मारा जा सकता है। ये आइडिया नेटो को कहां से मिला? April 16, 2023 अमेरिका में ये तस्वीर देखकर लोगों का माथा ठनका, क्योंकि ट्रक पर रूस का T-90 टैंक लदा था। सोशल मीडिया पर जल्द ही यह दावा किया जाने लगा ये वही टैंक है जिस पर यूक्रेन की सेना ने सितंबर 2022 में कब्जा किया। अब वही टैंक अमेरिका में है, जिसका मतलब यही है कि यूक्रेन में रूस के हर हथियार का सैंपल अमेरिका भेजा जा रहा है और उसी का विश्लेषण करके रूसी हथियारों की कार्ड यूक्रेन भेजी जा रही है। इस बात का अंदाजा रूस को भी है कि अगर यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो रूसी हथियारों के गोदाम खाली हो जाएंगे। नेटो की रणनीति भी यही है कि रूस की सेना को निहत्था कर दिया जाए, लेकिन सवाल यही है कि क्या पुतिन ऐसा होने देंगे? उन्होंने तो पहले दिन से ही साफ कर दिया था कि रूस की आन और रूस की जनता की जान बचाने के लिए वो परमाणु हमला करने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे।